सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। एडजेक्टिव की क्लासेस हमारी चल रही थी। एडजेक्टिव क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें से हमने क्वालिटी एडजेक्टिव सीख लिया है। आज हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है आज हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे। हम देखेंगे कि परिणामवाचक विशेषण ये कौन से विशेषण हैं जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने पहला वाला पहले ही कवर कर लिया है। क्वांटिटी का पता चलता है इसके अंदर, इसलिए हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसे बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आप देखेंगे जिस विशेषण शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि वो है कितना या नाप तौल का ज्ञान हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब सेंटेंस के अंदर हमारा अगर संज्ञा और सर्वनाम का वो कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, तो उससे हमें पता चलेगा कि परिमाणवाचक विशेषण है। कितने किलो है, कितनी क्वांटिटी है इसकी, समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि राम बहुत दुखी है, लेकिन क्या दुख को आप उसकी मात्रा तौल सकते हो? क्या आप उसे दुख को तौल के बोल दो कि हाँ यार राम को 2 किलो दुख है? मैंने कहा कि राहुल बहुत ईमानदार है, राहुल कैसा है, बहुत ईमानदार है, तो इससे हमें पता चलता है क्वालिटी एडजेक्टिव है। लेकिन ईमानदारी को तौला नहीं जा सकता और ना ही उसकी मात्रा बताई जा सकती है। इस बिहाग पे इस टॉपिक को, यानी कि क्वांटिटी जो एडजेक्टिव है हमारा, इस टॉपिक को अलग रखा गया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके कि परिमाणवाचक विशेषण होते क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लाइक एन एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांट रखा है, जिसमें से एक भाग है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव ऐसे एडजेक्टिव जिनकी गिनती की जा सकती है, पर ऐसे एडजेक्टिव जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिसमें से एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है, ठीक है। आप देखेंगे कि कौन सा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को हम गिन सकते हैं और कौन से एडजेक्टिव को हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम समझते हैं कि डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे कि तो ये बोल रही है मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब देखिए 3.5 मीटर की मात्रा हमें पता चल रही है, हम इसकी गिनती कर सकते हैं कितना है, 3.5 मीटर है, गिन सकते हैं, मात्रा इसकी पता चल सकती है हमें, इसीलिए इसकी क्वांटिटी का हमें पता चल सकता है, परिमाणवाचक हम इसे गिन सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे ये डेफिनेट है, 3.5 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, इसे गिनती की जा सकती है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, माई सूट विल टेक 3.5 मीटर ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मैं बोलूं 10 किलो चीनी ले आओ, 10 किलो भी जो है ये डेफिनेट ऐसे हम गिन सकते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 3.5 किलो, तो ब्रिंग 10 किलो ऑफ शुगर, 10 kg ऑफ शुगर भी हो सकता है ना। 10 किलो, 20 किलो, इनको हम गिन सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे 2 लीटर गरम दूध गरम करो, तो देखो 2 लीटर को भी गिना जा सकता है, मात्रा पता है ना, 2 लीटर है, 2 लीटर, 10 लीटर, 2 किलो, 20 किलो, कुछ भी हो सकता है, लीटर भी, ग्राम भी, मिलीग्राम भी, जिन चीजों को हम गिन सकेंगे उन्हें हम डेफिनेट बोलेंगे, डिफाइंड है वो। तो हीट 2 लीटर ऑफ मिल्क, सो दिस इज डेफिनेटिव यानी कि डेफिनेटिव यानी कि डिफाइंड है, निश्चित है, ये सर्टन है, डेफिनेटिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरा, अगर हम इनडेफिनेट पढ़े, इसे डेफिनेट को हटा के इनडेफिनेट पढ़े, इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आप देखेंगे कि
इसके अंदर आप जो भी वो बोल रहा है ना उसको गिन नहीं सकते। हमारे पास पर्याप्त अनुभव है, पर्याप्त की कोई क्वांटिटी नहीं है कि पर्याप्त कितना होता है। वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनफ जो है ना ये इनडेफिनेट है, इनफ को गिना नहीं जा सकता कितना है। दूसरा मैंने कहा मैंने कुछ चावल खाए, तो कुछ कुछ कितने खाए, एक खाए, दो खाए, 2 किलो खाए, 3.5 किलो खाए, कितने खाए, 250 ग्राम खाए, कितने खाए, कुछ को नहीं गिन सकते हम। तो आमिर खान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कुछ चावल खाए, तो कुछ जो है आप देखेंगे कुछ चावल खाए तो कुछ को हम गिन नहीं सकते हैं। आई एड सम राइस, सम की गिनती नहीं की जा सकती। दैट इज वाई सम जो है हमारा यहाँ पे इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा अगर थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा कितना नहीं गिन सकते, थोड़ा को गिन सकते हैं क्या, थोड़ा कितना, ज्यादा थोड़ा, कम थोड़ा कितना, उसको स्केल में नहीं नाप तोल सकते हैं ना उसकी मात्रा का पता कर सकते हैं। दैट इज वाई इनडेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट अ लिटल मिल्क, हीट अ लिटल मिल्क हम बोल सकते हैं, कुछ दूध गर्म कर दो, कुछ कितना कर दे, कुछ का भी नहीं पता। दैट इज वाई ये जो है आपके इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन परिमाणवाचक निश्चित वाले और परिमाणवाचक अनिश्चित वाले। पर याद रखिएगा जिनको गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं डेफिनेटिव यानी डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे दे रखे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के, जिसमें ये आपके सारे के सारे इनडेफिनेट वाले हैं, इनडेफिनेट है। इसमें देखिए सम, फ्यू, लिटल, मोस्ट, ऑल, सभी को नहीं गिन सकते, इनफ को नहीं गिन सकते, एनी को नहीं गिन सकते, होल को नहीं गिन सकते, सफिशियंट को नहीं गिन सकते, नन को नहीं गिन सकते। ये सारे वो एग्जाम्पल है जहां पर हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी मदद से भी आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर टॉपिक एंड आई होप यू गॉट समथिंग।